सुरेश के दो बेटे थे, भीरू और धीरू। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे, वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था, भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा साधा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसके बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है, मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा सुनती हो, उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है, ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनते हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलत फहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ, अरे भीड़ लगी हुई थी वहां तो
तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चलाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चलाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें, तो मैं बनाया करूंगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगी? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है, फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहां से कहां आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहां एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ धीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है।